हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल इस फूल की तरह। तो आज ना देख लीजिए कितना सारा फूल खिला है, और ना मुझे ना आजकल फूल तोड़ने के लिए नीचे जाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इतना ऊँचे में भी फूल खिल रहा है तो मुझे नीचे जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो धूप तो बहुत निकल रहा है आजकल, बहुत ही गर्मी है, और इस धूप में ना देख लीजिए पूरा फूल चमक जा रहा है। रुकिए, मुझे ना एक कॉल आ रहा है, लग रहा है डिलीवरी बॉय का है, तो यहाँ पर वो इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो चलिए मैं लेकर के आती हूँ पार्सल। तो ये देख लीजिए मेरा पार्सल आ गया है, और जितना भी शॉपिंग है ना मैं मीशो से की हूँ पहली बार। मतलब मीशो से तो मैं बहुत बार कर ही चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना कि इस बार मैं पहली बार इतना सारा शॉपिंग की हूँ, तो सब पार्सल आ चुका है, तो एक ही पार्सल बचा हुआ है, तो इसको मैं अभी खोलूँगी, देखती हूँ कि कैसा है। और आप लोगों को ना पूरा एक साथ में ही मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ। इधर हस्बैंड जी हम लोग के लिए खाना लेकर के आए हैं, तो ये देख के आए हैं कि इन लोग के मम्मी पापा क्या क्या खाते हैं तो वही लेकर के आए हैं। वैसे हम लोग देते हैं खाना, गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, खीरा, ये सब तो देते ही हैं, घास भी देते हैं। तो अभी ये मूली का पत्ता लेकर के आए हैं, तो यहाँ से ना मैं ना नीचे ना थोड़ा सा छेदा कर दी हूँ ताकि वो लोग ना देख सके, तो वहाँ से भी दे रहे हैं खाना। अभी उन लोगों को क्लीन करना बचा हुआ है, क्लीन नहीं की हूँ। हस्बैंड जी टेलर के वहाँ पर ये ऑल्टरेशन के लिए यहाँ पर कुछ कपड़ा दिए थे, बाद में अच्छे से दिखाऊंगी कि क्या क्या है इसमें। इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी, मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब एक तो ज़्यादा पैसा लिया है, ठीक है इसका ज़्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पैसा लिया है। पता नहीं किस हिसाब से लिया है, मेन इस कुर्ते का काम था, ये वाला जो कुर्ता है इसका काम था, मतलब इसी में ज़्यादा मेहनत लगा है, तो समझ में आता है। लेकिन कपड़ा हम लोग ऐसे करके दिए हैं, ना तय करके दिए हैं ना कुछ, मैं इस प्लास्टिक से, इस बैग से, मतलब पूरा जैसे कचरे का ढेर नहीं रहता है वैसे करके मैं निकाली हूँ। मतलब ये नया कपड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि डेली यूज़ कर रहे हैं, जैसे तैसे लपेट के दे दो, पूरे कपड़े में ना सिलवट आ गया है। अभी मुझे इसको खोलना पड़ेगा, ये एक एक करके मुझे इसको निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ऐसे करके वो लोग लपेट के दिए हैं। इतना ही चीज़ को करने के लिए, सिर्फ बाही पैंट के नीचे का इसको ठीक करने के लिए वो लोग लिए हैं 450। और कुर्ते का हालत देख रहे हैं कि कैसा करके दिए हैं, जैसे कि डेली यूज़ करते हैं, कचरा है, इसको मस्त अच्छे से पैक करके दे दो। मैं अपने टेलर के पास देती हूँ, इतना सारा कपड़ा देती हूँ, वो कभी मुझे ऐसे करके नहीं देती है, कभी भी नहीं। कोई भी टेलर कपड़ा ऐसे करके मोड़ के ऐसे गंदे तरीके से तो नहीं देगा। देख लीजिए इसमें पूरा सिलवट आ गया है, जब तक इसको मैं प्रेस नहीं करूँगी तब तक इसको पहन नहीं पाएंगे हस्बैंड जी। तो अभी ना मैं जा रही हूँ थोड़ा सा, ये हम लोग के सामने ये दुकान साइड में, तो कुछ कुछ लेना है वहाँ से। मेरा ना बिंदी ख़त्म हो गया है, ये ना मैं मेहरून वाला लगा रही हूँ, तो मैं रेड वाला लगाती हूँ। तो मेहरून वाला था मेरे पास, तो इतने दिन तक चल रहा था, लेकिन रेड वाला लूँगी। और साथ में ही मतलब कुछ कुछ और भी काम है, तो और एक चीज़ भी देखना है, पता करना है, तो जाती हूँ और देखती हूँ वो होता है या नहीं, तो उसके थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इस साइड में बाहर पूरा कपड़ा सूख रहा है, अभी पूरा शाम हो ही चुका है, लेकिन अभी नहीं उठा रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैं सामान भी लेकर के आ गई, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत ही। आज बहुत दिन बाद, मतलब कितने साल बाद नहीं पता, आज मैं ये कुरकुरे लेकर के आई हूँ, वो भी जस्ट टेस्ट करने के लिए। मैं तो ये सब खाती ही नहीं हूँ, भूल ही गई हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बस आज ऐसे ही दुकान गई थी, मन किया तो मैं ले ली, तो मैं तो दुकान गई थी आप लोगों को बोली ही, और वहाँ से मैं आ भी गई, साथ में कुरकुरे भी लेकर के आई, वो भी दिखाए। तो ज़्यादा नहीं, मैं ये सब खाती नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया है, तो बस वही टेस्ट याद करने के लिए मैं थोड़ा सा लेकर के आई थी। वैसे आजकल का ना ये सब का टेस्ट अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, और ये सब खाती भी नहीं हूँ मैं।
बस आज मन किया चले गई उस साइड, तो बस वही। और साथ में ही ना मैं टेलर के वहां पर भी गई ही थी, तो वो नहीं थे। बाद में फोन की कॉल की तो नहीं थे, तो वही था कि मैं ना यही सोच रही थी कि अगर मैं दे दूंगी कपड़ा अभी तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आधा मेरे पास रहेगा आधा फिर टेलर के पास रहेगा। तो बस यही रीजन है कि मैं सोच रही हूँ आज मैं आप लोग को दिखा ही दूंगी कि मैं ऑनलाइन क्या क्या शॉपिंग की हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी साड़ी है ना, साड़ी ही की हूँ ऑब्वियसली, तो जितना भी साड़ी वगैरह ये सब ऑल्टरेशन के लिए तो देना पड़ेगा ही। और साथ में ही मैं आप लोग को सुबह दिखाई थी कि हस्बैंड जी का जो जितना भी कुर्ता वगैरह था, चाहे जो भी हालत, मतलब ऐसे था ना कपड़े का, मुझे बहुत गुस्सा आया बहुत। मैं आज तक टेलर के पास कपड़ा दी हूँ चाहे जो भी जैसा भी है, वो लोग बकायदे फोल्ड करके देते हैं और नया कपड़ा ऐसे करके दिए हैं ना कि क्या बोलूँ, पूरा गार्बेज जैसे डंप करके नहीं देते हैं, वैसे ही पूरे एक साथ मोड़ के पैंट के अंदर ऐसे करके मोड़ के डाल दिए। और ये सब ना पूरा कॉटन का है, उसमें पूरा सिलवट आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। साथ में मैं हस्बैंड जी को भी मैं डांटी, क्योंकि देख के लाना चाहिए ना वहीं से ही। मैं कभी भी जाती हूँ टेलर के वहां पर तो देख कर ही लेके आती हूँ कितना कपड़ा है, उसमें कपड़ा कोई छूट तो नहीं ना गया है। तो यही है, क्या ही बोलूं, और हस्बैंड जी का काम ऐसा ही होता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं मीशो से क्या क्या शॉपिंग की हूँ। वैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो शॉपिंग करती ही हूँ बहुत ही कम, तो इस बार पता नहीं क्या चस्का चढ़ा, हम लोग रात में ही ऐसे ही मतलब स्क्रॉल करते करते तो मन किया तो हम लोग शॉपिंग कर लिए। और इस बार मैं सोची हूँ ना कि मतलब सोच ही थे हम लोग कि थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशनल, थोड़ा कुछ बंगाली टाइप का ही पहनेंगे। तो ऑनलाइन मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ ये साड़ी, तो ये आज ही आया है, सुबह ही डिलीवर हुआ है। तो ये दो कलर में है, एक ऐसा है ये येलो और रेड में है ऐसे बूटी बूटी, और ये रेड और येलो में है बूटी बूटी, तो मतलब दो कलर में ही है, पाटली में ही है। और ये जामदानी साड़ी बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ मुझे तो दिखता नहीं है, रायपुर में हम लोग जाते हैं लेकिन ये सब साड़ी मुझे नहीं दिखता है। दिखता भी है ना तो पूछ करके देखी हूँ, क्वालिटी अच्छा नहीं होता है लेकिन रेट वाइज बहुत बोलते हैं, क्योंकि कोलकाता में ही ये सब साड़ी मिलता है और यहाँ पर ये सब मिलता ही नहीं है। और इस बार हम लोग थोड़ा ट्रेडिशनल रखने का कोशिश किए हैं, मतलब जैसे कोलकाता में लोग पहनते हैं दुर्गा पूजा में, तो वही कोशिश की है कि हम लोग इस साल पहनेंगे, तो बस वही है। और साथ में हस्बैंड जी का मैचिंग करके ये कुर्ता भी ली हूँ, तो इसमें दुर्गा माँ का देख लीजिए कि मुंह भी बना हुआ है। तो जब हम लोग पहनेंगे ना तो तभी मैं दिखा दूंगी कि कैसा है, अभी अगर पूरा खोल करके दिखा दूंगी ना तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, पहनेंगे तो फिर वही एक ही जैसे ही हो जाएगा। इसका भी ये कुर्ता ये ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे और रिजनेबल प्राइस में भी मिल गया। और साथ में ही और एक साड़ी है, ये रहा, तो ये स्वास्तिक वाला साड़ी है और इसमें कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला साड़ी ना बहुत ही ट्रेंडिंग में ही है, बहुत पहले से ही है। सोचती थी कि लूंगी लूंगी लेकिन कैसे होगा पता नहीं, लेकिन इस बार हिम्मत करके ले ही ली। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, एकदम सॉफ्ट है, तो ये ना मलमल का कपड़ा है और मलमल का कपड़ा पहनने में बहुत ही आराम होता है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे कोई सा भी सीजन हो तो अच्छा ही लगता है। तो ये ले ली, मेरा बहुत दिन का शौक था रेड वाइट ब्लैक या फिर रेड वाइट में लेने का, तो और साथ में ही हस्बैंड जी के लिए भी मैचिंग करके ली हूँ। तो ये रहा, तो ये इसमें भी रेड ब्लैक एंड वाइट है, ये रेड नहीं है ये मेहरून में ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब लाइट ही दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन ये मेहरून में है और इसमें भी स्वास्तिक बना हुआ है, तो हस्बैंड जी ही इसको पसंद किए हैं। और ये भी मलमल में ही है, तो ये भी बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में मिल गया सब कुछ। और साथ में और एक साड़ी है,
ये रहा, ये ना सिफोन का साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है, हल्का होता है सिफोन का साड़ी हमेशा से ही, और मुझे ऐसे ही साड़ी पसंद आता है, तो रेड येलो में ली हूँ। कोई पूजा पाठ वगैरह होगा तो पहन भी सकती हूँ, और रेड येलो तो कॉम्बिनेशन अच्छा ही लगता है हमेशा से ही, तो बस ऐसे ही एक ले ली हूँ साड़ी। तो बस यही है, इतना ही शॉपिंग की हूँ, मतलब 5 ही शॉपिंग किए हैं, वो भी डर डर के की थी, पता नहीं मीशो का अच्छा होता है या नहीं, तो अच्छा ही निकला है। जितना भी मैं शॉपिंग की हूँ एक बार में ही मुझे पसंद आ गया है, और कोई भी डिफेक्टिव नहीं था, तो बस यही एक बेनिफिट है कि मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं निकला, वरना मीशो से ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग डरते भी है, थोड़ा सा मतलब साइज़ का ना इशू रहता है बहुत सारे लोगों का, तो हस्बैंड जी का मतलब जो नॉर्मल साइज़ है तो उससे भी मतलब ज़्यादा साइज़ का लेना पड़ा है, मतलब ऐसे ही अवेलेबल है, तो बस वही है। लेकिन मलमल का जो कुर्ता है ना, तो वो मतलब जो रियल साइज़ पहनते हैं तो उसी साइज़ में ही हो गया है। और आप लोग को बता दूं तो मुझे रेड और वाइट साड़ी पहनने का, मतलब ये कॉम्बिनेशन पहनने का बहुत दिन से मन था, बहुत दिन से, तो मेरे पास ऐसे कोई भी साड़ी नहीं था। तो 2 साल पहले ना मैं किसी को मतलब बोली थी, तो मतलब अगला इंसान ही मुझसे पूछा था कि कौन सा साड़ी लेंगे तुम्हारे लिए, तो मैं बोली थी कि मुझे रेड और वाइट में ही, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन में ही देना, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी अगर होगा तो रेड वाइट तो पूजा में हम लोग पहनते ही हैं, बंगाली लोग येलो रेड वाइट रेड ये सब तो चलता ही है, तो मैं ऐसे ही बोली थी। तो कोलकाता में हम लोग के रिलेटिव्स हैं, तो जब हम लोग गए कोलकाता में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे जब साड़ी दिया गया, मेरे हाथ में रखा गया, तो मैं बोली कि ये तो वो साड़ी नहीं है, रेड ब्लैक में, रेड वाइट में तो है ही नहीं। तो मुझे जवाब में क्या मिला कि रेड वाइट साड़ी हम लोग को मिला ही नहीं, मतलब कोलकाता में रहते हैं, हर दुकान में किसी के पास भी अगर पूछोगे तो मिल जाता है रेड वाइट साड़ी, मतलब एनी टाइम 12 महीना मिलता है, पूजा के वक्त ही नहीं हमेशा मिलता है, और मुझे जवाब में मिल रहा है कि मिला ही नहीं। और उसके बदले में ऐसा साड़ी था कि मतलब जैसे बूढ़े लोग नहीं पहनते हैं, एकदम उसमें ना रेड का नामो निशान था ना कुछ, एकदम स्लेटी कलर का था ऐसा। तो ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये सोच के मतलब हैरान हूँ कि मतलब कोलकाता में रहते हुए रेड वाइट कलर का साड़ी नहीं मिल रहा है, ये मतलब बहुत अजीब बात है सुनने में, मतलब मुझे बहुत अजीब लगा था। तो वही उसी शौक को मैं आज पूरा कर ली, हालांकि इसमें ब्लैक भी है, तो ब्लैक भी क्यों है तो आप लोग को मैं बता दूँ। तो ये एक मैं ब्लाउज़ ली थी 2 साल पहले ही, कोलकाता से ही ली थी, तो ये रेड ब्लैक एंड वाइट में है। तो सोच लीजिए हमेशा हर कोई साड़ी लेता भी होगा, तो साड़ी खरीदते हैं देन उसके बाद ब्लाउज मैचिंग से खरीदते हैं, लेकिन मैं पहले से ही ये ब्लाउज खरीद के बैठी हूँ 2 साल पहले से ही, तो उसी के मैचिंग का आज मैं साड़ी भी ली, तो मतलब यही है। तो ये ब्लाउज भी बहुत अच्छा है, बहुत एकदम कॉटन में है, तो मुझे बहुत ही मन था कि रेड ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन में पहनने का, तो ये शौक मेरा पूरा हो गया इस बार। तो चलिए आप लोग का पूजा का शॉपिंग क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।